गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज रितु पाठक और आज हम गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। जैसे हम पहले कोचिंग्स में जाकर स्टडी करते थे, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कि हम वहां नहीं जा सकते हैं और पढ़ाई नहीं कर सकते, वो हमारे लिए भी सेफ नहीं है। तो हमारे पास एक ही जो रास्ता बच जाता है वो क्या है, ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हम स्टडी करके गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वैकेंसी भी आ रही है, सीआरपीएफ की भी आ रही है, एम्स की भी आएगी, और क्योंकि आप इस टाइम पे तो स्टाफ नर्स की, नर्सिंग ऑफिसर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है। इसी ये एक मीडियम है जिससे आप अपने घर पे बैठे ही क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और हम नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे और कोरोना जो अभी अपडेट्स आ रहे हैं, अप टू डेट में जो भी नर्सिंग से रिलेटेड या फिर हमारे मेडिकल से रिलेटेड जो भी अप टू डेट है, कौन सी मेडिसिन है, क्या है, वो भी हम शॉर्ट वीडियो में उसको शूट करेंगे और आपके एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, वो पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल हम नर्सिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से ऑब्स्ट्राइनी है, उससे क्वेश्चन आते हैं, उसका एक छोटा सा जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल टॉपिक है, लेकिन छोटा है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बेसिक है। तो हम अभी के एग्जाम में, जैसे अभी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स आ रहे हैं और जो पहले आते थे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अभी का लेवल पहले का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए स्टडी करेंगे, बिल्कुल जीरो से चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। अब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, बहुत सारे एग्जाम्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। छोटा टॉपिक है पर बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम 12th क्लास में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, कितने दिन का होता है, साइक्लिक है, एसाइक्लिक है, और इसमें ब्लड लॉस कितना होता है, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें जो है हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है, ये 28 डेज का होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल साइकिल की लेंथ की बात करें तो ये कितना, हर 28 डेज में मेंस्ट्रुएशन साइकल्स फीमेल में क्या होता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस फीमेल को, फीमेल में कब स्टार्ट होता है, तो ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, और फीमेल की प्यूबर्टी कितने टाइम में आती है, 10 to 16 डेज। अगर इसमें पूछा जाए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक फीमेल को स्टार्ट कब होगा, तो ये प्यूबर्टी पे होगा, टाइम क्या होगा, एज क्या होगा, 10 to 16 इयर्स। फीमेल में प्यूबर्टी का एज क्या है, 10 to 16 इयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज द पीक एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, व्हाट इज द पीक एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीक एज कितना होता है, पीक एज क्वेश्चन में आए या फिर एवरेज एज आए, ठीक है, एवरेज एज या पीक एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है आपका, 13 इयर्स है। पीक एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल और एवरेज एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज 13 इयर्स। अब इसमें पूछ सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम शॉर्ट फॉर्म में भी कह लेंगे एमसी, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्की, मेनार्की, मेनार्के इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्के। और परमानेंट स्टॉपेज ऑफ, परमानेंट स्टॉपेज, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज, इज कॉल्ड मेनोपॉज। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम क्या बोलेंगे, मेनार्के। पीक एज और एवरेज एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, 13 इयर्स। प्यूबर्टी कितने टाइम में आता है फीमेल में, 10 to 16 इयर्स में आता है। और फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लेंथ कितने दिन की होती है, कितने दिन का होता है, 28 डेज का होता है। अब इसमें एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस होता है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, जो फीमेल में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड लॉस कितना होता है, 20 to 80 ml, मतलब 20 ml से कम और 80 ml से ज्यादा होगा तो फीमेल में क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की एबनॉर्मैलिटीज होगी। और यहीं पे क्वेश्चन अगर पूछ ले, एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, तो
एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कितना होता है? 35 ml. 35 ml. तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की लेंथ 28 दिन की होती है जो नॉर्मल है, प्यूबर्टी 10 से 16 साल में आता है, प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, पीक एज 13 ईयर्स है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेनार्के बोलते हैं, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? मेनोपॉज है. अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कितना होता है? 20 से 80 ml. एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कितना है? 35 ml. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, नेक्स्ट प्यूबर्टी. जैसे मैंने बोला प्यूबर्टी के स्टेज की बात करें, पहले भी हम इससे पहले एक वीडियो इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने डिस्कस किया है कि प्यूबर्टी जो है उसके कितने स्टेजेस होते हैं, क्या होता है. तो यहाँ पे प्यूबर्टी के 5 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट टेनर एंड मार्शल, प्यूबर्टी 5 स्टेजेस क्लासिफाइड एज, फर्स्ट वन इज, सबसे पहला प्यूबर्टी का साइन, प्यूबर्टी का स्टेज और प्यूबर्टी का साइन हम बोलेंगे. प्यूबर्टी के साइन क्या है? फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है कि अगर हम स्टेज में देखें तो पहला वो किसका डेवलपमेंट होता है, तो फीमेल में सबसे पहला सेकेंडरी सेक्शन कैपेसिटीज का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड एज थैलेसिस. तो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड थैलेसिस. सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड ब्रेस्ट के साइड में हम क्या आएंगे? एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर. और इसको हम क्या बोलते हैं? एडिनार्के. इसको हम क्या बोलते हैं? एडिनार्के. दिस डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर एंड एडिनार्के इज द सेकेंड स्टेज एंड सेकेंड साइन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. नेक्स्ट थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ, नीचे आएंगे पे ट्रायंगल बनेगा और नीचे क्या आएगा? प्यूबिक हेयर. डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर को हम क्या बोलते हैं? प्यूबार्के. डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर इज कॉल्ड प्यूबार्के. तो इस तरह से ट्रायंगल क्या होता है? कंप्लीट होता है. नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे, फोर्थ साइन जो है वो है ग्रोथ स्प्रूट. मतलब इंक्रीज इन ग्रोथ और हाइट, इंक्रीज इन हाइट. और फीमेल की क्या होगी? हाइट बढ़ेगी. ग्रोथ स्प्रूट होगा, इंक्रीज इन हाइट होगा. और लास्ट साइन, फिफ्थ साइन ऑफ मेंस्ट्रुएशन और प्यूबर्टी क्या होगा? मेनार्के. जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मेनार्के इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल को आता है वो, उसे हम क्या बोलते हैं? मेनार्के. इज द 5 स्टेज और 5 साइन ऑफ प्यूबर्टी अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट टेनर एंड मार्शल. थैलार्के, एडिनार्के, प्यूबार्के, इंक्रीज इन हाइट एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेनार्के. ये ध्यान रखना है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रिगार्डिंग जो चीजें हमने डिस्कस की है वो याद रखना है. नेक्स्ट अब हम चलते हैं डेफिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. अब हम क्या डिस्कस करेंगे? डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ठीक है, साइकिल की एक्चुअल डेफिनेशन हम देखते हैं. मेंस्ट्रुएशन साइकिल को शॉर्ट फॉर्म में अभी से हम क्या पढ़ेंगे? एमसी. ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? एमसी. अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो एमसी है वो कैसा प्रोसेस है? इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन. ये कैसा है? एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है जो हमें दिखाई देता है. विजिबल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? जो हमें दिखाई देता है. नेक्स्ट हम बात करें तो ये कैसा प्रोसेस है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. जैसे अभी मैंने बोला था आपको, अगर एक 6 साल की बच्ची को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो क्या ये बॉडी की फिजियोलॉजी है? नहीं, वो कैसा हो जाएगा? पैथोलॉजिकल प्रोसेस हो जाएगा. अगर 6 साल के बच्चे को आएगा तो क्या होगा? पैथोलॉजिकल प्रोसेस. लेकिन जैसे प्यूबर्टी आने के बाद जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो कैसा प्रोसेस है? एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. बॉडी की फिनोमिना है, उसमें ब्लड लॉस होता है. नेक्स्ट विजिबल मैनिफेस्टेशन है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. और कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि इस महीने ब्लीडिंग हुआ, मेंसेस आया, नेक्स्ट मंथ नहीं आएगा. ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू एक साइकिल में, हर 28 दिन के साइकिल में क्या आता है? कंटिन्यू आता रहता है.
ठीक है, इसलिए हम इसको क्या प्रोसेस बोलते हैं, साइकिक प्रोसेस बोलते हैं। ये वर्ड ध्यान देना है, विजिबल मैनिफेस्टेशन, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, साइकिक प्रोसेस। और इसमें क्वेश्चन आता है क्या ये वेजाइनल ग्लैंड इन यूट्राइन, तो यहां जो वर्ड हम ध्यान रखेंगे वो क्या होगा, यूट्राइन ब्लीडिंग। यूट्राइन ब्लीडिंग, यूट्राइन ब्लीडिंग अकर ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। और आपको पता होगा यूट्रस का जो इनर लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। अब मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या बताया है, इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन, इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच यूट्राइन ब्लीडिंग अकर ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। शेडिंग का मतलब क्या होता है, टूट जाना, शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। तो क्या टूट जाता है, यूट्राइन जो ब्लीडिंग होता है उसमें टूटता क्या है, तो जो एंडोमेट्रियम में भी लेयर्स होते हैं, तो एंडोमेट्रियम का जो फंक्शनल लेयर होता है वो शेड ऑफ होता है और वही यूट्रस में ब्लड को कलेक्ट करता है। एंड दिस कलेक्टेड ब्लड एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना, एंड दिस कलेक्टेड ब्लड एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना ड्यू टू द इनविजिबल रोल ऑफ हॉर्मोन, ड्यू टू द इनविजिबल रोल ऑफ हॉर्मोन, ड्यू टू द इनविजिबल रोल ऑफ हॉर्मोन। अभी हमने क्या देखा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिफाइन किया, ये क्या है, इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन इन विच यूट्राइन ब्लीडिंग अकर ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम एंड द ब्लड एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना ड्यू टू द इनविजिबल रोल ऑफ हॉर्मोन। मतलब यूट्रस का जो फंक्शनल लेयर है वो टूटेगा, ब्लड कलेक्ट होगा और वो ब्लड एक्सपेल आउट होगा वेजाइना के थ्रू, और उसमें किसका रोल रहता है, ड्यू टू द इनविजिबल रोल ऑफ हॉर्मोन। एंड दिस इज द स्टार मोस्ट टॉपिक ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसमें बार बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है, हॉर्मोन से पूछा जाता है। तो इसमें कौन से हॉर्मोन्स का रोल रहता है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, एचपीओ एक्सिस। ये समझ लो यही एचपीओ एक्सिस इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ये हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, ओवरी है, ये एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड होते हैं और ये किस तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इससे हम रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, पहले हम टॉपिक्स क्लियर करते हैं और उसके बाद हम क्या इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एचपीओ एक्सिस का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचपीएमओ। एच से क्या होता है, हाइपोथैलेमस, एच से क्या होगा, हाइपोथैलेमस। पी से क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओ से क्या है, ओवरी। और यहां पे एचपीओ का मतलब तो आपको पता चल गया, और ये जो एक्सिस है, ये जो ए है, इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों ही क्या करते हैं, एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक्टिवली क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, GnRH, गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म क्या है, गोनाडो हार्मोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड कितने होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पे शॉर्ट वन मार्क्स का जैसे बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा, तो क्या होगा, मास्टर ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब जो क्वेश्चन आने लग गया वो क्या पूछते हैं, मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड क्या है, मास्टर का भी मास्टर कौन है, तो हाइपोथैलेमस है। मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। तो हमने देखा हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, जीएनआरएच।
पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? पिट्यूटरी में भी कौन से पिट्यूटरी से? एंटीरियर पिट्यूटरी से. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? एफ एस एच एंड एल एच. एफ एस एच एंड एल एच. नेक्स्ट हम आते हैं ओबरी पे. ओबरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो जैसा हमने देखा हॉर्मोनल रोल है क्या है? एचपीओ एक्सिस है. एचपीओ का मतलब क्या है? हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओवरी है. ये क्या होते हैं? एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड होते हैं. जिसमें क्या है? जीएनआरएच है. किससे रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से. पिट्यूटरी ग्लैंड मींस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? एफएसएच एंड एलएच. ओवरी, ओवरी से क्या रिलीज होता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. जैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ईस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी. और ओवरी में भी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओवरी के अंदर किससे होता है, कौन सी सेल से होता है, ये हम डीप में पढ़ेंगे बाद में. अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है. ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या था? डेफिनेशन था किसका? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का. जिसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका बताया था आपको? हार्मोनल रोल बताया था. ठीक है, हार्मोनल रोल बताया था. इसी को हम डिटेल स्टडी करेंगे कि ये हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं. एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं. अभी आपने क्या सीखा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, बेसिक चीजें क्या है, और इसमें मतलब डेफिनेशन पढ़ा आपने, अच्छे से समझ गया कि हाँ अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है वो मुझे समझ में आ गया. और अब डेफिनेटली इतना देखने के बाद ये पता होगा कि सब कह रहे हैं अब तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना डेफिनेशन से रिलेटेड तो पक्का 100% कर लेंगे. ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. आई थॉट सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. विच ऑफ द, लिख देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. जैसे मैंने पहले भी बोला था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? एमसी बोलेंगे. इसका हम चार ऑप्शन भी देंगे प्रॉपर. एग्जाम में सिर्फ यही खेल है, एमसीक्यू का ही खेल है, वही आपको समझना है. क्वेश्चन समझ में आ गया? इसका ऑप्शन क्या है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच एंड एलएच एंड ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आप कमेंट सेशन में जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है. वैसे मैं अभी 2 मिनट में आपको बता ही दूंगी इसका आंसर क्या है. ठीक है, फिर भी अभी जो भी है आपको देखते टाइम ही क्या करना है, अपने मन में सोच लेना है कि इसका आंसर ये है. ऐसा नहीं कि वीडियो को आगे करके देखिए आंसर या फिर बता रहे, ऐसा कुछ नहीं है. पहले देखना है अपना आंसर जो सही है, जो भी आपको लगता है वो आपको बताना है. ठीक है, क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. सेम अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने क्या पढ़ा है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है. और इसी क्वेश्चन में सब गलती करते हैं. जैसे कोई ईस्ट्रोजन लगाएगा, कोई प्रोजेस्टेरोन लगाएगा, कोई एफएसएच लगाएगा, कोई ऑल ऑफ द, जो चार ऑप्शन उसी में से कोई ना कोई लगाएगा. लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है? अभी हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए मैंने आपको बताया था विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. मींस करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एचपीओ एक्सिस. एचपीओ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, ऑल आर एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. अभी मैंने बताया था, यही चीज मैंने आपको पढ़ाई है, वही सेम क्वेश्चन आया. क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में लिखा है, हो सकता है इसको और ज्यादा घुमा दे. अभी सबसे पहले सफदर्जंग का एग्जाम हुआ था, उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ था. सफदर्जंग बीएमएमसी का एग्जाम हुआ था, उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें यहाँ पे गोनाडोट्रोफिन जीएनआरएच भी लिखा हुआ था, बहुत सारे ऑप्शन में दिए हुए थे, और उसका आंसर क्या होना था? ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को प्लीज ध्यान में रखें, और जो भी क्वेश्चंस हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद उसको करें, 100% वो आपसे सॉल्व हो जाएगा. अगर कुछ भी ऐसा नहीं होता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रितु पाठक,
ठीक है, सॉरी पाठक रितु 287, वो हम लिंक यूट्यूब नीचे जो वीडियो है उसमें डाल देंगे, तो आप वहां से देख के अपने डाउट्स को वहां पे क्लियर कर सकते हैं। जो भी हमारी क्लासेस हैं उसके रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट्स होता है आप वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देख लिया, कॉन्सेप्ट भी देख लिया, किस तरह से क्वेश्चन के साथ तो नहीं, आगे हम करेंगे क्या। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो इवेंट्स हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसके थ्रू हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पढ़ेंगे, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए दो इवेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ओवेरियन, ओवेरियन इवेंट्स। सेकेंड वन इज यूटराइन इवेंट, सेकेंड वन इज यूटराइन इवेंट्स। ओके, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हमने दो ऑर्गन का नाम लिया है। कौन से दो ऑर्गन का नाम लिया है? एक ओवरी का नाम लिया है, दूसरा यूट्रस का नाम लिया है। कि इन दोनों में हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, वो हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इस इवेंट्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग में साथ साथ नोट्स बनाइएगा। कोई भी अभी लिंक जो है, कोई भी पीडीएफ फॉर्म है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और बेस्ट होगा कि आप साइट, सबसे बेस्ट चीज जो है हैंड रिटन नोट्स जो होता है हमारा बेस्ट नोट्स होता है। इसलिए पढ़ते पढ़ते जो भी आपको समझ में आ रहा है मैं पूरा नोट्स के फॉर्म में लिखवा देती हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ये क्या है, इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देयर आर टू इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवेरियन इवेंट्स एंड यूट्राइन इवेंट्स। फर्स्ट वन इज ओवेरियन इवेंट्स, इसमें हम दो फेज में इसकी स्टडी करते हैं, दो फेज में हम इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहला इसका क्या है, फॉलिक्यूलर फेज। फर्स्ट वन इज फॉलिक्यूलर फेज एंड सेकेंड वन इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, पहला हमने क्या पढ़ा, फॉलिक्यूलर फेज एंड सेकेंड क्या था, ल्यूटियल फेज। अब देखते हैं जो ये दोनों ही इवेंट्स किसमें है, ओवरी के अंदर होता है। ओवरी के अंदर जो इवेंट्स है वो हम दो फेज में पढ़ेंगे, फॉलिक्यूलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। फॉलिक्यूलर फेज हाफ ऑफ द साइकिल, हमने अभी पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। तो जो 28 दिन है उसमें हाफ क्या है फॉलिक्यूलर फेज और हाफ क्या है ल्यूटियल फेज, मतलब हमें डेज भी याद रखना पड़ेगा। तो फॉलिक्यूलर फेज कितने दिन का होता है, 6 to 14 days, 6 to 14 days। कौन सा फेज है, फॉलिक्यूलर फेज। यूटियल फेज कितने दिन का होगा, तो ये फेज आपका होता है 15 से लेकर 28 दिन का, 15 to 28 days। फॉलिक्यूलर फेज 6 to 14 days, ल्यूटियल फेज 15 to 28 days। ये ओवरी के अंदर जो है वो फेजेस होते हैं। नेक्स्ट हम यूट्रस के इवेंट्स को पढ़ते हैं। यूट्रस में कितने इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं। यूट्रस में सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है, ब्लीडिंग फेज। इसको हम एक काम करते हैं, क्लियर अच्छे से बड़ा बना लेते हैं। आप ये नोट डाउन कर लेना, ओवेरियन इवेंट्स यूट्राइन इवेंट्स दो पढ़े हैं, ओवेरी के अंदर दो फेज होते हैं, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज 6 to 14 days का होता है और ल्यूटियल फेज 15 से 28 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूट्राइन इवेंट्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया यूट्राइन इवेंट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ब्लीडिंग फेज। फर्स्ट वन इज ब्लीडिंग फेज, सेकेंड वन इज प्रोलीफेरेटिव फेज, सेकेंड वन इज प्रोलीफेरेटिव फेज। एंड यूट्रस का जो थर्ड इवेंट होता है वो कौन सा होता है, सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज। अभी हमने यूट्रस के जो इवेंट्स हैं उसको 3 स्टेप में पढ़ा है, ब्लीडिंग फेज, प्रोलीफेरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। अब हमें डेज भी याद रखना होगा ये कितने दिन का होता है। जो ब्लीडिंग फेज है वो 1 to 5 days का होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्लीडिंग फेज जो है वो कितने दिन का होगा, किसी फीमेल में 4 दिन का, किसी में 5 दिन का, किसी में 3 दिन का। ये जो है ब्लीडिंग फेज नॉर्मल 5 दिन तक रहता है। 5 दिन के बाद 6 to 14 days, 6 to 14 days क्या होता है, प्रोलीफेरेटिव फेज। प्रोलीफेरेटिव फेज कितने दिन का होगा, 6 to 14 days का होगा। नेक्स्ट वन क्या है, सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज कितने दिन का होगा, 15 to 28 days, 15 से 28 दिन का क्या होता है, सिक्रेटरी फेज होता है। तो अभी हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के क्या पढ़े, इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देयर आर टू इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवेरियन इवेंट्स एंड यूट्राइन इवेंट्स।
ओवेरियन इवेंट्स में हमने दो पढ़ा था, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज. यूट्राइन इवेंट्स में हमने तीन पढ़ा है, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज. ठीक है, इसके डेज को क्या रखना है आपको याद रखना है. नेक्स्ट हम इवेंट्स को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हम इवेंट्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला हम ले लेते हैं ओवेरियन इवेंट. ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन इवेंट्स में मैंने दो बताया था, उन्हीं दोनों को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम यूट्राइन इवेंट्स पढ़ेंगे. यूट्राइन इवेंट्स को डिस्कस करेंगे. ओवेरियन इवेंट्स को जानने से पहले आप उसके अंदर इवेंट्स में चेंजेस पढ़ेंगे, फेजेस पढ़ेंगे. उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ओवरी के बारे में पता होना चाहिए. कितने ओवरी होते हैं हमारे उसमें, फीमेल की बॉडी में कितने ओवरी होते हैं, दो. ओके, फीमेल में कितने ओवरी होते हैं, दो. मीन्स हम क्या कह सकते हैं, वन पेयर. कितने होते हैं, वन पेयर. टू ओवरी होते हैं, वन इन द अदर साइड, वन इन द लेफ्ट साइड, वन इन द राइट साइड. ठीक है, अब ओवरी का अगर हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, जैसे हमारा ओवरी है, ठीक है, कुछ मैंगो शेप में बन गया, इस तरह से देखते हैं. ठीक है, तो ये जो ओवरी है यहाँ पे क्या होता है, ओवेरियन नर्व्स वेन जो है, आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है. ठीक है, जो ब्लड सप्लाई करती है वो कौन करती है, ओवेरियन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है. ओवेरियन वेन के थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओवरी से बाहर जाता है. तो हमने देखा नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या होता है, आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस सप्लाई बाय द ओवेरियन आर्टरी एंड ओवेरियन वेन. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ओवेरियन आर्टरी सप्लाई करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ओवरी से बाहर जाएगा वो वेन के थ्रू बाहर जाएगा. ठीक है, अब ओवरी में पढ़ने के लिए क्या है, ये इसका क्या है, आपका एक स्ट्रक्चर मैंने बताया है, सिंगल ओवरी का स्ट्रक्चर हमने लिया है. इसमें क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं. इसमें क्या होते हैं, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिफरेंट साइज के फॉलिकल्स होते हैं. हमने फॉलिकल्स की बात की तो ओवरी के अंदर क्या होगा, ओवरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज का फॉलिकल होगा. कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई डेवलपिंग स्टेज में होगा, कोई मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल बन गया होगा, कोई अभी इसी फेज में होगा, कोई कॉर्पस ल्यूटियम होगा. इस तरह से क्या है, जो फॉलिकल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज में होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में होते हैं. ठीक है, हमने देखा ओवरी के अंदर क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में होते हैं. और यहां पे अगर हम फॉलिकल्स की बात करें तो फॉलिकल्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज होता है. ओके, फॉलिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज, मतलब जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फॉलिकल्स के नंबर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे. समझ में आ गया, मैंने क्या बोला अभी कि हमने ओवरी का स्ट्रक्चर देखा है, उसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में होते हैं. और यहाँ पे जो फॉलिकल्स होते हैं उसका एक फॉर्मूला समझ के याद करो, जैसे भी याद करो, आपको याद करना है फॉलिकल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज होता है. मतलब जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फॉलिकल्स के नंबर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे. अब इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है. अब क्या क्वेश्चन है वो देखना है. पूछा जाएगा 20 वीक्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, 20 वीक्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फॉलिकल्स के नंबर फीमेल की बॉडी में कितना होता है. मतलब जो फीमेल अभी मदर की वूम में है, 20 वीक्स की है, उसमें फॉलिकल्स के नंबर कितने होंगे. तो हम यहां पे कहते हैं जी 7 मिलियन. कितना होगा, 7 मिलियन. पहला पॉइंट. सेकेंड, वही फीमेल फीटस अभी क्या हो गया, टर्म फीटस हो गया, टर्म बेबी हो गया. तो टर्म फीटस में जो फॉलिकल्स के नंबर होते हैं वो मैंने बोला ना, जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा फॉलिकल्स के नंबर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे. मीन 7 मिलियन से क्या हो जाएगा, कम हो गया, कितना हो जाएगा, 2 मिलियन. अभी हमने क्या देखा, टर्म फीटस, जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फॉलिकल्स के नंबर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे. जैसे टर्म फीटस में कितना हो गया, 2 मिलियन. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यूबर्टी. जब फीमेल की प्यूबर्टी आएगी तो प्यूबर्टी पे कितना हो जाएगा, प्यूबर्टी पे हो जाएगा 4 लाख. और नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और फॉलिकल्स के नंबर फीमेल की ओवरी में कितने रह जाएंगे, 4 लाख.
और यही फीमेल जब मीनोपॉज में जाएगी, यही फीमेल जब मीनोपॉज में जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा, लेस देन 10,000। फीमेल की ओवरी में जो फॉलिकल्स के नंबर है कितने, लेस देन 10,000 रह जाएंगे। तो आपने सेम देखा कि फॉलिकल्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे फॉलिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पे आपने एज देखा, यहाँ पे नंबर्स क्या हो देखा, डिक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरी के बारे में जानकारी मिल गई। अब ओवेरियन इवेंट्स में सबसे पहला क्या था, फॉलिक्यूलर रिंग्स। सबसे पहला क्या था, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिकुलर फेज जैसे नाम से है, फॉलिकल्स क्या होते हैं, इस फेज में जो स्टार्टिंग कितने दिन का था, 6 to 14 days का था, इसमें फॉलिकल्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कुछ फॉलिकल्स का ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर कुछ फॉलिकल्स जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, एग्जाम रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर हमें जॉइनिंग दी जाती है। ठीक है, उसी तरह से हर साइकिल में ओवरी में कुछ फॉलिकल्स को क्या किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं। फिर उसमें से FSH काम करता है, और जो डोमिनेंट होता है इसमें से वो किसके लिए चूज किया जाता है, ओव्यूलेशन के लिए, क्योंकि दोनों ही ओवरी में से सिर्फ एक फॉलिकल्स को हर मंथ में सेलेक्ट किया जाता है, किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए। ठीक है, एक ही फॉलिकल्स को ओव्यूलेशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, ये किसके अंदर पड़ रहे हैं, ओवरी के अंदर पड़ रहे हैं। क्या होगा, फॉलिकल्स हमने देख लिया, फॉलिकल्स पे जो फॉलिकल्स हैं जिसे अभी मैं वर्ड लिखूंगी प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स। तो आप बोलोगे अब ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स क्या है, अभी तो आपने फॉलिकल्स बताया था, अब ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स क्या है। तो यहां पे जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका क्या है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट। ओके, दिस वन इज प्राइमरी ऊसाइट, एंड प्राइमरी ऊसाइट इज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल, एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल is called as granulosa cells, and this group of cell is called as granulosa cell, and this granulosa cell is covered by a different group of cells, and this group of cells is called as theca cells, and this group of cells is called as theca cells। जैसे आपने देखा मैंने बहुत सारा बनाया है, तो जो इसके चारों साइड से बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, थीका सेल्स। और ये थीका सेल भी दो टाइप के होते हैं, जो अंदर से थीका सेल है उसे थीका इंटरना बोलते हैं, और जो बाहर से है उसे हम क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स। अब आपको समझ में आ गया कि मैं प्रिमोर्डियल फॉलिकल कह रही हूं, ये क्या है। तो प्रिमोर्डियल फॉलिकल क्या है, इसके इनर साइड में आपने देखा क्या है, प्राइमरी ऊसाइट इज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ग्रैन्युलोसा सेल्स, एंड दिस ग्रैन्युलोसा सेल्स इज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड थीका सेल्स, एंड थीका सेल इज ऑल्सो टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ठीक है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स। अब बात करते हैं इस प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स में क्या होता है। तो जब एक फीमेल अपनी मदर की वूम से बाहर आती है और उस फीमेल की प्यूबर्टी आती है, तब तक आपको पढ़ोगे ऊजेनेसिस के अंदर क्या होता है, जो फीमेल की बॉडी में मियोसिस फर्स्ट होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कभी क्लास लेंगे गैमेटोजेनेसिस की, उसमें हम ऊजेनेसिस में पढ़ेंगे। जो फीमेल की बॉडी में मियोसिस फर्स्ट होता है वो क्या होता है, एरेस्टेड फेज में होता है। और वो कंप्लीट कब होता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो फीमेल की बॉडी में तभी हो जाता है जब वो मदर के वूम में होती है, लेकिन वो कंप्लीट कब होता है, जब उसकी प्यूबर्टी आती है। ठीक है, मींस मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होगा, अब होगा जब उस फीमेल की क्या आएगी, प्यूबर्टी आएगी। तो अब फीमेल की प्यूबर्टी आ चुकी है, क्योंकि उसको क्या आ रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाला है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाला है। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो फीमेल की बॉडी से, अभी मैंने आपको बताया था HPO एक्सिस, तो उसमें हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, GnRH।
ये GnRH gonadotropin releasing hormone किस पे एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करने के बाद आपको पता है यहां से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? FSH रिलीज होगा। और ये FSH हार्मोन क्या करेगा? आपको पता है FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस फॉलिकल्स को, इस प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। तो ये FSH मेनली इस प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स के अंदर कहां पे एक्ट करता है? तो इस वेन्यूसा सेल्स में। मेनली आपको पूछा जा रहा है कि FSH एक्ट ऑन द प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स मेनली स्पेशली ऑन द ग्रेनुलोसा सेल्स एंड सिक्रीट इस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है आपका जो फर्स्ट मियोसिस, फर्स्ट मैंने बोला यही पे कंप्लीट होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम मिला के बोलते हैं। और मियोसिस फर्स्ट भी कब कंप्लीट होता है? प्रायर टू ओव्यूलेशन, मतलब जो पहला ओव्यूलेशन होने वाला है जस्ट उसके प्रायर क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां पे FSH मैंने बोला है, FSH मेनली कहां पे एक्ट करता है? FSH मेनली एक्ट ऑन द प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स। और प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स में भी स्पेशली कहां पे एक्ट होता है? स्पेशली एक्ट ऑन, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, यहां पे आपने पढ़ा था क्या? ग्रेन्यूलोसा सेल्स मीन्स FSH मेनली एक्ट ऑन द प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स, जिसे स्पेशली एक्ट किस पे करता है? ग्रेन्यूलोसा सेल्स पे करता है। एंड दिस ग्रेन्यूलोसा सेल्स, व्हेन द FSH एक्ट ऑन द ग्रेन्यूलोसा सेल्स, देन दिस सेल्स सिक्रीट द इस्ट्रोजन हार्मोन। देन दिस सेल सिक्रीट इस्ट्रोजन हार्मोन। अब आपको समझ में आया, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन बोला था इस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द ओवरी। अब आपको अभी पढ़ा आपने ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं। और उस फॉलिकल्स में भी आपने क्या पढ़ा? प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। उस प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स में भी क्या होते हैं? प्राइमरी ओसाइट होता है। प्राइमरी ओसाइट के बाद ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स होता है। तो जब FSH इस पे काम करता है तो FSH इस फॉलिकल्स में मेनली किस पे काम करता है? ग्रेनुलोसा सेल्स पे काम करता है। एंड दिस ग्रेनुलोसा सेल्स मेनली सिक्रीट द इस्ट्रोजन हार्मोन। ये मेनली क्या सिक्रीट करते हैं? इस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब अगर कहीं डीपली क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डीप में आ जाए कि इस्ट्रोजन हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है, कौन से सेल से सिक्रीट होता है, तो आप बता सकते हो प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, उससे भी डीप पूछा है, तो आप क्या बता सकते हो? ग्रेनुलोसा सेल से होता है। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, वो तभी आप कर सकते हो जब आप डीप स्लीप नॉलेज हो। ठीक है, आई थॉट ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? FSH हार्मोन सिक्रीट होता है। और FSH हार्मोन किस पे एक्ट करता है? प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स पे। और उसको क्या करता है? मैच्योर करता है। ठीक है, जैसे FSH काम करेगा तो ये फॉलिकल्स को क्या करेगा? मैच्योर। लेकिन सबको नहीं, उसमें एक क्या होता है? डोमिनेंट फॉलिकल्स, ये सब पे काम करता है। लेकिन उसमें से सिर्फ एक फॉलिकल को सिलेक्ट किया जाता है किसके लिए? ओव्यूलेशन के लिए, जिसपे FSH मेनली एक्ट करता है। और वहां से मेनली इसका काम क्या है? इस्ट्रोजन को सिक्रीट करना। और ये एट लास्ट क्या होगा? मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल बनेगा। फिर हम क्या बोलेंगे? मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल। एंड मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल 14 डे पे क्या होगा? रप्चर हो जाएगा। एंड उसको हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। रप्चर ऑफ द मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि इस क्लास में हमने बेसिक चीजें भी डिस्कस की है। अब ओव्यूलेशन और इससे आगे की चीजें हम पार्ट टू ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच, जो भी डाउट हो तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं।